शंकाओं का समाधान हो जाते हैं। श्रद्धा कर गुरुवेद में मन का हो समाधान। जब हम ऐसे महापुरुष के प्रति श्रद्धा से संपूर्ण भावनाओं से लग करके उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलना आरंभ कर देते हैं तो हमारे संपूर्ण शंकाओं का समाधान मिल जाता है। हमारा मन जो बाह्य विषयों में संसार में रात दिन भाग दौड़ कर रहा है उसका बहाव दौड़ बंद होकर के उन चरणों में लग जाते हैं। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत द्रव्य दृष्टि ये होती दलन मोहतम शोष प्रकाशु बड़े भाग्य हुए राम ही जाशु। जो हम नहीं जानते थे जो जानने योग्य वस्तु है उसकी भली प्रकार अनुभूत हो जाती है। इसलिए हमारे जितने भी शास्त्र हैं महापुरुष जन हैं सब ने एक ही मार्गदर्शन बताया है कि कलयुग केवल हरि गुण गाहा। इस कली में केवल एकमात्र वह मार्ग है कि हम ईश्वर के नाम का जाप करें कपट का परित्याग करके, क्योंकि परमात्मा का नाम मधुर से भी मधुर है, पावन से भी पावन है, मंगल से भी मंगलमय है। आ ब्रह्म स्तब्ध पर्यंतम सर्व माया मयम जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरि नामय व केवलम। ब्रह्मा से लेकर स्तब्ध पर्यंत यह सारा संसार मायामय है, सत्य है केवल एकमात्र परमात्मा और उसका नाम। जो उन प्रभु का नाम स्मरण करना सिखलाते हैं वही माता है पिता है बंधु बांधव और वही गुरु भी हैं, क्योंकि श्वास का कोई भी विश्वास नहीं है। आज हम सही सलामत दिख रहे हैं एकाएक जहाँ श्वास निकला कि कोई भी शरीर का महत्व नहीं रह जाता। इसलिए उन महापुरुषों का कहना है कि यहो दुख महान दुख भयंकर कष्ट है कि जो विषय रूपी कांच के पीछे लग करके हरि नाम रूपी रत्न को विसार देते हैं, क्योंकि सबको तृण तुल्य करके उसके ऊपर एकमात्र उन प्रभु का नाम ही विराजमान होता है। यही कारण है कि हमारे बहुत से ऐसे ऐसे मानस में पात्रों का नाम आया कि जो हर तरह से तिरस्कृत थे। केवट के विषय में आया कि लोक वेद सब भाति नीचा जा सुछा छुई ले ये सीचा, कि छाया पड़ने पर भी स्नान करना पड़ता था, किंतु वही केवट जब सुना कि भगवान राम आ रहे हैं समोर सेवा बन को एकाग्र करके उनकी सेवा में भक्ति में लगा और सबसे श्रेष्ठ माना गया भयो भुवन भाजन तबही थे। इसलिए भगवत पथ में ईश्वर भक्ति में हमें बाह्य आडंबर की आवश्यकता नहीं है। हम केवल मन क्रम वचन से श्रद्धा समर्पण के साथ लगते हैं तो हमारे पास जो कुछ भी हो पत्र पुष्प, भगवान कृष्ण ने बताया कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या तुमिच्छति तदहम भक्ति प्रयत्नामी प्रयतात्मना। भक्ति का शुभारंभ यहीं से होता है कि हम पत्र पुष्प जल फल जो कुछ भी हमारे पास हो हम भक्ति श्रद्धा समर्पण के साथ लगे। वे महापुरुष जन सब कुछ स्वीकार करते हैं, श्रद्धा का भली भांति हम श्रद्धा से समर्पण के साथ लगे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भली प्रकार बताया कि अर्जुन तू जो कुछ भी मन सहित इंद्रियों को तपाता है हमें अर्पण करता है वह सब मैं स्वीकार करता हूँ, तुम्हारे फल का विधान भी मैं बनाता हूँ। इसलिए क्योंकि सृष्टि में न मेरा कोई प्रिय है और न तो कोई अप्रिय है, किंतु जो मेरा अनन्य भक्त है वह मुझ में है और मैं उसमें हूँ, यही मेरा एकमात्र रिश्ता है नाता है। प्रायः कहा जाता है कि अमुख व्यक्ति जघन्य अपराधी है शूद्र है क्रूर कर्मी है, इसे भजन का भक्ति का अधिकार नहीं है। इन सभी मतों को पीछे छोड़ते हुए भगवान कृष्ण ने अपना यथार्थ मत प्रस्तुत किया है कि अपिचेसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो हि स। चाहे अत्यंत दुराचारी ही क्यों न हो यदि वह मेरे सिवाय अन्य किसी दूसरे को न भजता हुआ निरंतर मुझे ही भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है। हुआ नहीं है किंतु उसके हो जाने में कोई संदेह नहीं है क्योंकि वह दृढ़ निश्चय से लगा है। अतः भजन का भक्ति का अधिकार मानव मात्र के लिए है क्योंकि मनुष्य ही यथार्थ निश्चय वाला होता है। इस भजन से लाभ
वह क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है, परम धर्म परमात्मा से संयुक्त हुआ अंतःकरण वाला हो जाता है, सदा रहने वाली शाश्वत शांति को प्राप्त कर लेता है। इतना ही नहीं अर्जुन, फिर तो ब्राह्मण क्षत्रिय श्रेणी के भक्तों के लिए कहना ही क्या है। और यह साधना का एक क्रम है, और इसलिए हर व्यक्ति को एक ईश्वर के चिंतन पर बल हमारे महापुरुष जन शास्त्र जन प्राचीन काल से बताते चले आ रहे हैं कि उस पथ पर चलने के लिए हमारे अंदर पात्रता होनी चाहिए। वह पात्रता है श्रद्धा का, भाव का, विश्वास का। ये संबल श्रद्धा रहित नहीं संतन कर साथ, अर्थात जिसके पास श्रद्धा का संबल नहीं है, जो संतों का संग नहीं किया है, उसके लिए साधन पथ कठिन है, ध्रुव है। किंतु जब हम किसी ऐसे महापुरुष की शरणागति अपना लेते हैं, फूटी फूटी सेवा में संलग्न हो जाते हैं, वह साधन पथ हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। इसलिए सबको चाहिए कि हम ऐसे महापुरुष को पकड़ें और उनके द्वारा बताए गए साधन पथ पर चलें। और एक जंगल में एक संत रहते थे, बहुत ही तपस्वी संत, और उनके आश्रम के सामने से लकड़हारा प्रतिदिन लकड़ी काट के ले जाता था और अपना जीवन गाड़ी में रखा। मुझे खड़ा जा, एक दिन उस संत ने बुलाया, तुम इतना मेहनत परिश्रम करता है, मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ। थोड़ी सी आगे बढ़ो, वहाँ चंदन का जंगल है, थोड़ी लकड़ी ले आओ और अच्छे से जीवन निर्वहन कर सकते हो। वो ऐसा किया, थोड़ा समय और बीता, संत ने बताया कि तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। आगे बढ़ो और वहाँ पर चांदी का पर्वत है, वहाँ से थोड़ी सी चांदी ले आओ और बड़ी प्रकार जीवन निर्वहन करो। ऐसा किया हुआ, इसी तरह से उन संत ने बताया कि आगे सोना है, और फिर एक दिन बताया कि आगे हीरा है, वह उनकी बात मानकर अच्छे से जीवन यापन करने लगा, बहुत ही समृद्ध हो गया। तो एक दिन उन संत ने बुलाया कि तुम बहुत ही बड़े बेवकूफ हो, आगे मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ। बोला, भगवान अब इससे आगे तो कुछ है ही नहीं, हीरे से बड़ा क्या होता है। तो उन संत ने बताया कि धन से बड़ा है ध्यान, और इस तरह से तुम ध्यान में लगो और जो शाश्वत शांति शाश्वत सुख है उसकी अनुभूति करो। यही कारण है कि हमारे बहुत से राजा महाराजा बहुत से हुए हैं जिनको सारी सुख सुविधाएं थी, कोई कमी नहीं थी, किंतु फिर भी कहीं न कहीं उनके मन में दुख था। भगवान बुद्ध ने ऐसा निश्चय किया कि सुख कहाँ से प्राप्त होगा और दुख का अंत कहाँ से होगा, जब तक यह मैं नहीं खोज लूँगा पीछे लौटूंगा नहीं। तो इस तरह से गीता में भगवान कृष्ण बताया कि तम विद्याद दुख संयोगम वियोगम योग संगितम, जो संसार के संयोग वियोग से रहित है, जो आत्यंतिक सुख है, उसके मिलन का नाम है योग। और यह योग न उकताए हुए चित्त से धैर्यपूर्वक करने वाले का ही सिद्ध होता है। इसलिए सबसे बड़ा धन है ध्यान, समर्पण, और उससे जो मिलने वाला सुख है उसका कोई जोड़ नहीं है। उस शांति के लिए, उस सुख के लिए सभी हमारे महापुरुष जन महाराजा महाराजा सब प्रयत्नशील रहे, और ऐसे महापुरुषों से संतों से वह मार्ग सीखे, साधन समझे और उसकी प्राप्ति किए। इसीलिए हमारे महापुरुषों का कथन है कि इच्छाएँ अनंत हैं, पर्वत शिखर के समान ऊंची हैं, सारे संसार